हेलो गाइज, यह वीडियो शेक्सपियरियन सोनेट्स के बारे में है, यानी अपन इसके अंतर्गत इन सारे क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो जो मैंने ग्रीन कलर में पॉइंट आउट कर रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस ये है कि व्हाट इज अ सोनेट। सबसे पहले सोनेट के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज अ शेक्सपियरियन सोनेट्स। सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट क्या होती है, उसके बाद व्हाट इज एन आइमिंग पेंटामीटर। आइमिंग पेंटामीटर क्या होता है, व्हाट आर सिलेबल्स, सिलेबल्स क्या होते हैं, व्हाट इज मीटर, मीटर क्या होता है। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब इसमें मिलेंगे और शेक्सपियरियन सोनेट्स को हम क्लियरली पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट शेक्सपियरियन सोनेट्स के बारे में देखते हैं अपन ये क्या होती हैं। व्हाट इज अ सोनेट, एक सोनेट क्या है, तो यहाँ पे ये दे रखा है मैंने, अ सोनेट इज अ 14 लाइन्स पोइम इन आइमिंग पेंटामीटर। ये सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल भाषा है और एक छोटी सी डेफिनेशन है सोनेट की कि सोनेट क्या होती है। सोनेट एक 14 लाइन की पोइम है जो किस में लिखी हुई होती है, आइमिंग पेंटामीटर में लिखी होती है। तो इसके बाद अपन को इसमें ये नई चीज़ मिली, एक तो 14 लाइन्स होंगी ये तो पता है, लेकिन वो 14 लाइन्स किस में लिखी होंगी, आइमिंग पेंटामीटर में। तो सबसे पहले अपन इन दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे कि आइमिंग क्या होते हैं, आइमिंग पेंटामीटर क्या होते हैं। आइमिंग व्हाट, लेट्स टेक अ लुक, ये देखते हैं कि आइमिंग क्या होता है, पेंटामीटर क्या होता है। तो यहाँ पे आइमिंग पेंटामीटर को समझाया है कि आइमिंग पेंटामीटर क्या है। आइमिंग पेंटामीटर इज अ पोएटिक फॉर्म विच पोएट्स एंड प्ले राइट्स टिपिकली यूज टू राइट पोइम्स इन एलिजाबेथन इंग्लैंड, यानी एलिजाबेथन पीरियड के दौरान ये एक पोएटिक डिवाइस है जो कि कवि और प्ले राइट थे वो लिखने के लिए यूज किया करते थे। इट इज़ द मीटर, यह एक मीटर है, दैट शेक्सपियर मोस्टली यूजेस, एक मीटर, मीटर हिंदी में वैसे छंद बोलते हैं, यह एक मीटर है जिसको, मतलब यह वही मीटर है जो शेक्सपियर के द्वारा मोस्टली यूज किया गया है। मीटर इन पोइट्री इज अ रिदम ऑफ एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल्स अरेंज्ड इनटू फीट। अब यहाँ से जाना है कि मीटर की डेफिनेशन क्या होती है, मीटर की डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है। मीटर इन पोइट्री, मीटर है जो पोइट्री में एक रिदम का काम करता है और रिदम में हमें कुछ स्वर ऊंचे ले जाने होते हैं, कुछ स्वर नीचे ले जाने, मतलब लाइंस जब बोलते हैं अपन, पोइट्री की लाइंस बोलते हैं तो उसमें कुछ सिलेबल्स तो ऊंची आवाज़ में, ऊंचे स्वर में बोल जाते हैं, कुछ नीचे स्वर में बोल जाते हैं। तो वो ये एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल्स अरेंज्ड इनटू फीट, जो कि किस में अरेंज्ड होते हैं, फीट में अरेंज होते हैं। जैसे कि ये नीचे लाइन दे रखी है, आइम, आइम का मतलब होता है हैज द फर्स्ट सिलेबल, आइम, आइम एक मीटर की टर्म है, आइम, आइम किसकी टर्म है, मीटर की टर्म है। आइम, आइम हैज द फर्स्ट सिलेबल अनएक्सटेंडेड एंड द सेकंड एक्सटेंडेड, ये ध्यान रखना है कि आइम की विशेषता क्या होती है, इसमें जो पहला सिलेबल होगा वो तो अनएक्सटेंडेड होगा यानी दबा हुआ होगा और जो दूसरा सिलेबल है वो एक्सटेंडेड यानी ऊंची ध्वनि में बोला जाएगा, वो एक्सटेंडेड होगा। तो ये आइम की डेफिनेशन होगी। जैसे कि ये लाइन दी गई है, शेक्सपियर की सोनेट थी 18 वहाँ से ली गई है, सेल आई कंपेयर दी टू अ सम मियर्स डे। तो ये है, इसमें जो टू सिलेबल्स होते हैं ना, टू सिलेबल्स का एक फुट बनता है यानी 5 फुट की लाइन होती है। पेंटामीटर वो आगे देखेंगे पेंटामीटर की डेफिनेशन, पहले अपन आइम को यहाँ देखते हैं। जैसे यहाँ पे तोड़ा गया है, जो पहला सिलेबल होगा वो अनएक्सटेंडेड और सेकंड असेंडेड, यानी इनको ये चिन्ह से दर्शाया गया है, यहाँ पे ये बनाए गए हैं। तो ये एक प्रकार से अपन जब पोइट्री को रीड करते हैं, अलाउड रीड करते हैं, तो वहाँ हमें इन मीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, रिदम की ज़रूरत पड़ती है, तो रिदम में ही ये समाहित होते हैं मीटर्स, सिलेबल्स। अब सिलेबल्स देखते हैं, सिलेबल्स क्या होते हैं, व्हाट इज अ सिलेबल्स। अ सिलेबल इज द यूनिट ऑफ साउंड, ये साउंड यूनिट, साउंड की क्या है, यूनिट है। इट इज ईदर स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, जो कि स्ट्रेस्ड भी हो सकती है, अनस्ट्रेस्ड भी हो सकती है। किसकी साउंड है ये, मतलब किसकी यूनिट है, साउंड की है। सिलेबल्स क्या है, जब अपन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं तो जो साउंड निकल के आती है वो सिलेबल्स में ही निर्धारित होती है। अब एक वर्ड्स में सिलेबल्स का निर्धारण किसके आधार पर होता है, वोवल्स के आधार
पे होता है, यानी जितने वोवल साउंड होंगी उतने ही एक वर्ड्स में सिलेबल्स होते हैं। तो वोवल साउंड से ही सिलेबल्स निकल के आएंगे और सिलेबल्स से ही हमारी साउंड निकल के आएगी। उससे अपन को पता लगेगा कि कौन सा जो सिलेबल्स है वो स्ट्रेस्ड होता है, कौन कहाँ पे अपन को जोर देना है और कहाँ पे नहीं देना है। तो जब अपन इस चीज़ सिलेबल से ही अपन को मीटर का पता लगेगा, मीटर से ही लाइन्स की जो है रिदम बन के आएगी। जैसे व्हाट शॉप व्हाट लाइट थ्रू योंडर विंडो ब्रेक्स, हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर इन दैट कोटेशन। इसमें आपको कोटेशंस, इस कोटेशंस में आपको सिलेबल्स बताने हैं कितने हैं। तो मैंने बता दिया, जैसे एक व्हाट सॉफ्ट, व्हाट में एक सिलेबल है क्योंकि यहाँ पे सिंगल साउंड, सिंगल वोवल साउंड आ रही है, तो व्हाट में एक सिलेबल है। सॉफ्ट में भी एक सिलेबल है क्योंकि सॉफ्ट यहाँ पे भी सिंगल वोवल साउंड है। व्हाट में भी सिंगल है, लाइट में भी सिंगल है, थ्रो इसमें भी सिंगल है, योंड यहाँ दो हो सकते हैं, यो ड यहाँ पे दो हो सकते हैं, विंडो में दो हो सकते हैं, ब्रिक्स ब्रिक्स में भी एक है। तो इस प्रकार अपन इसमें सिलेबल्स काउंट करके आपको ये कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि इसमें कितने सिलेबल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं मीटर। मीटर क्या है? मीटर इन पोइट्री इज अ रिदम। ये ध्यान रखना कि मीटर एक रिदम ही है, ऑफ एक्सेंटेड एंड अन एक्सेंटेड सिलेबल्स अरेंज इन टू फिट। ये डेफिनेशन है मीटर की। मीटर एक मीटर इन पोइट्री, अपन बात मीटर की पोइट्री में कर रहे हैं फिलहाल। जो मीटर में जो पोइट्री के अंतर्गत जो मीटर है वो एक रिदम है जो कि एक्सेंटेड एंड अन एक्सेंटेड सिलेबल्स को बताता है, और जो एक फीट में दे रखे होते हैं, यानी एक फीट में टू सिलेबल्स होते हैं, ये ध्यान रखना। मीटर इन पोइट्री इज वॉट ब्रिंग्स द पोएम टू लाइफ एंड इज द इंटरनल बीट और रिदम विद विच इट इज रीड। मीटर इन पोइट्री, जो मीटर है वो एक पोइट्री में, इज वॉट ब्रिंग्स द पोएम टू लाइफ, यानी जो कुछ भी हम प्रेजेंस में लेके आते हैं, लाइफ में लेके आते हैं पोएम से, एंड इज द इंटरनल बीट और रिदम विद विच इट इज रीड। जिस चीज़ को लेकर ये पढ़ी जाती है उसकी एक इंटरनल बीट है मीटर। कहते हैं ना, जैसे इंसान को जीने के लिए श्वास की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार एक पोएम को इंजॉय करने के लिए, पोएम को रीड करने के लिए मीटर की ज़रूरत होती है। बिना मीटर के पोएम का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार जैसे एक ह्यूमन बींग्स के लिए श्वास का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बोल सकते हैं पोएट्री की जान होते हैं मीटर्स, मीटर्स में ही लिखी जाते हैं, इनसे ही उनकी राइमिंग और रिदमिंग रिदम निकल के आती है। जैसे यहाँ पे मैंने दे रखी है मोनोमीटर डायमीटर, यानी जो मोनोमीटर होगा उसमें वन फुट होगा, वन फुट में ओनली सिंगल सिलेबल होगा, ये ध्यान रखना। डायमीटर में टू फीट होंगे, सॉरी एक फुट में टू सिलेबल्स होते हैं। डायमीटर में टू फीट होंगे यानी फोर सिलेबल, ट्राईमीटर में थ्री फीट होंगे यानी एट सिलेबल, सॉरी सिक्स सिलेबल्स, टेट्रामीटर में फोर फीट होंगे यानी फोर फीट में हो गए एट सिलेबल्स, पेंटामीटर में फाइव फीट होते हैं यानी टेन सिलेबल्स, हेक्सामीटर में सिक्स फीट, हेप्टामीटर में सेवन फीट और एक्टामीटर में एट फीट। ये आप ध्यान रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं पेंटामीटर। पेंटामीटर क्या होता है? वेल, पेंटामीटर क्या होता है? वेल एन आयन इज डी डम, इट इज लाइक अ हार्ट बीट। वेल एन आयन इज डी डम, आयम एक मीटर है, जैसे डी अनएक्सेंटेड हो गया, डम एक्सेंटेड हो गया। तो ये यहाँ पे उन्होंने ये बताया, इट इज़ लाइक अ हार्ट बीट, जैसे कि हार्ट बीट करता है ना बम, डी डम डी डम डी डम, तो लुक लाइक दिस, यहाँ पे इन्होंने आयम को बताया है, आयम भी पेंटामीटर। पेंटामीटर इज अ फॉर्म ऑफ ग्रीक फॉर फाइव, जो पेंटा का मतलब होता है ग्रीक में फाइव होता है। मीटर इज रियली द पैटर्न, मेन चीज क्या है इसके अंतर्गत? मीटर है, तो इनको पेंटा का मतलब हो गया फाइव और मीटर एक पैटर्न होता है जो अपन ने अभी देखा था। सो देयर आर फाइव आइम्स पर लाइन, इसलिए एक लाइन में कितने आइम्स होंगे? फाइव आइम्स होंगे। फाइव आइम्स का मतलब हो गया टेन सिलेबल्स, यानी एक आइम में टू सिलेबल्स होते हैं। तो एक लाइन में कितने हो गए? टेन सिलेबल्स हो गए, फाइव आइम्स हो गए, इसलिए इसका नाम हो गया पेंटा मीटर। आइम्स से ही निकल के आया है पेंटा, ये ध्यान रखना आप।
फॉर द साउंड ऑफ आई मेक पेंटामीटर थिंक ऑफ अ हार्ट बीट। यहाँ पे कंपेरिजन किया है हार्ट बीट से, हार्ट बीट में जैसे ही हार्ट बीट होती है डी डम, तो ये सेम आई मेक पेंटामीटर की तरह है, यानी पहला अनस्टेस्ड होगा दूसरा स्टेस्ड होगा, ऐसे होता है आई मेक की जो पहचान है, पहला तो होगा अनस्टेस्ड दूसरा होगा स्टेस्ड। डी डम जो कैपिटल में है वो स्टेस्ड है और जो अनकैपिटल में दे रखे हैं वो अनस्टेस्ड है। डी डम तो इट्स साउंड्स लुक लाइक दिस। इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइन ऑफ 5 आइम्बिक फीट, यानी एक लाइन में 5 आइम्बिक फीट होंगे यानी 10 सिलेबल्स होंगे, ये यहाँ पर दे रखा है 10 सिलेबल्स विद 5 अनस्टेस्ड एंड 5 स्टेस्ड सिलेबल, यानी 5 तो अनस्टेस्ड होंगे और 5 स्टेस्ड सिलेबल्स होंगे। इस प्रकार के ये क्या बनता है आइम्बिक पेंटामीटर बनता है। तो यहाँ से आप इसका कंपैरिजन हार्ट बीट से करके देख सकते हैं। एन एग्जांपल ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर फ्रॉम शेक्सपियर रोमियो जूलियट से लिया गया है, ये आप देखना। इसमें जो कैपिटल है वो स्टेस्ड हैं और जो अनकैपिटल में दे रखे हैं वो अनस्टेस्ड हैं। व्हाट लाइट थ्रू योंडर विंडो ब्रेक्स, यहाँ सेम वही बताया मैंने कितने सिलेबल्स, व्हाट में एक सिलेबल, सॉफ्ट में एक सिलेबल, व्हाट में एक सिलेबल, लाइट में एक है, थ्रो में भी एक है, योंडर में 2 हैं, विंडो में 2 हैं और ब्रेक्स में 1। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितने टोटल सिलेबल हुए हैं। आइमिक पेंटामीटर पुट इट ऑल टुगेदर, यानी जो आइमिक पेंटामीटर होता है अगर हम सभी को एक साथ जोड़ दें तो ये यहाँ पे उन्होंने रख के बताया है सारा, एक लाइन में बताया है सारा। जैसे सेल आई कंपेयर दी टू सम्स मियर दे, 5 फुट बताएं पेंटामीटर को बताया और इसमें आइमिक मतलब कहने का आइमिक पेंटामीटर में यानी इसमें 5 आइम्स दिए हैं, सिलेबल्स बताएं और फुट बताएं, सारी चीज़ इसमें एक में उन्होंने बताने की कोशिश की है। जैसे सेल आई कंपेयर दी टू सम मियर्स डे, सेल आई ये हो गया अनस्टेस्ड, दूसरा हो गया स्टेट, यानी 2 सिलेबल हो गए 1 फुट, 2 सिलेबल्स का 1 फुट बनता है। ऐसे कंपेयर पहला अनस्टेस्ड दूसरा स्टेट्स, एक दूसरा फुट बन गया और 2 सिलेबल्स हो गए, पर फुट में 2 सिलेबल्स होते हैं इसलिए 10 सिलेबल्स, 10 सिलेबल से बन गया पेंटामीटर बन गया आपका। और आइम्बिक के लिए आइम्बिक की पहचान होती है मीटर, मीटर में दे रखा है ये अनस्टेस्ड और स्टेट्स, इससे पहचान होती है आइम्बिक, यानी ये किस बे में लिखे गए हैं, आइम्बिक बे में लिखे गए हैं, पहला होगा अनस्टेस्ड दूसरा होगा स्टेट्स, ये ध्यान रखना है आइम्बिक की पहचान ये होती है। इस प्रकार टोटल 5 फुट होते हैं, 10 सिलेबल्स होते हैं, पहला अनस्टेस्ड होगा दूसरा स्टेस्ड होता है, इस प्रकार ये सबको एक साथ रख के आइम्बिक पेंटामीटर बताया गया है। राइमिक पैटर्न्स, यहाँ पे राइमिंग पैटर्न्स क्या होता है शेक्सपियरियन सोनेट का वो बताया है। द शेक्सपियरियन सोनेट्स हैज 3 कटेंस फॉलोड बाई अ कपलेट, द स्कीम बींग ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी जी। ये ध्यान रखना आपको कि जो शेक्सपियरियन सोनेट होती है उसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, ये होती है इसमें 3 कटेंस होते हैं, यानी 4-4 लाइन के 3 कटेंस होंगे और लास्ट में फाइनल एक कंक्लूडिंग कपलेट होता है। ये 4 लाइंस ऑफ राइम्ड वर्सेस एंड 2 लाइंस ऑफ राइम्ड वर्स, यानी कपलेट 2 लाइंस का राइम्ड वर्सेस होता है और कटेंस 4 लाइंस, यानी कटेंस में 4 लाइंस होती हैं और कपलेट में 2 लाइंस होती हैं, फुली राइम्ड होते हैं, ये राइम्ड वर्स होते हैं। यानी जैसे रामायण होता है, रामायण में चौपाई होती है तो वो क्या है चौपाई कटेंस है, बीच बीच में एक कपलेट आता है सिंगल, लेकिन उनकी जो बोलते टाइम जो राइमिंग स्कीम होती है वो एक रिदम होती है, एक वर्सेज होते हैं, तो वो चीज़ है वो इसमें बताया गया है। तो थैंक यू गाइस, आई होप यू ऑल गेट इट कम्प्लीटली। इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम मेक कमेंट्स इनटू कमेंट बॉक्स एंड सजेस्ट अस व्हाट यू वांट फ्रॉम अस। थैंक यू।